आज हम बात करेंगे पोस्टनेटल प्रेगनेंसी की। पोस्टनेटल यानी गर्भ की अवस्था के बाद, आफ्टर डिलीवरी। गर्भ अवस्था में यूट्रस का प्रोलैप्स होता है। मैं जो अभी एक्सरसाइज दिखाऊंगा, जिसको योगा में बोलते हैं सेतु बंदासन, उससे यूट्रस का रिट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और स्ट्रेंथनिंग भी होती है। और उसका सेकेंड बेनिफिट ये है कि उससे लोअर बैक भी स्ट्रेंथन होता है। तो ये करते हैं सेतु बंदासन। टेक अ डीप ब्रेथ और ब्रीथ आउट करते हुए, फिर ब्रीथ इन करके नीचे जाएंगे, ब्रीथ आउट करके कॉन्ट्रैक्ट करके, ये एक्सरसाइज आप कम से कम 12 से 15 बार कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का सेकेंडरी फायदा यह है कि इससे आपके पेल्विक मसल्स भी मजबूत होंगे, ग्लूटस मसल्स भी टोन होंगे और हैमस्ट्रिंग मसल्स को भी टोन मिलेगा। गर्भ की अवस्था में और एक चीज होती है, लोअर अब्डोमिनल मसल्स ज्यादा ही कुछ स्ट्रेच हो जाते हैं। वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और मजबूत करने के लिए मैं आपको एक आसन दिखाऊंगा जिसका नाम है उत्थिता पदासन। उत्थिता मीन्स रेजिंग, पदा मीन्स लेग्स। तो उसको वन बाय वन भी कर सकते हैं और टुगेदर बोथ द लेग्स भी कर सकते हैं, जैसे कि ये। आप दोनों हाथों को पहले बैक के नीचे रख दीजिए सपोर्ट के लिए और फिर लेग्स को सीधा कर दीजिए। फिर सिंगल लेग एट अ टाइम ब्रीद आउट करके आप पैर को इस एंगल पर लेंगे, आपके लोअर एब के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसको होल्ड करेंगे और ब्रीद इन करके रिलैक्स करेंगे। फिर दूसरे लेग से आप ब्रीद आउट करके ऊपर लेंगे, लोअर एब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्रीद इन करके रिलैक्स करेंगे। तो ये था सिंगल लेग उत्थिता पदासन। अभी हम करेंगे डबल लेग उत्थिता पदासन। ब्रीद आउट, कॉन्ट्रैक्ट योर स्टमक, होल्ड योर स्टमक टाइट, पुल योर नेवल इनसाइड, ग्लूट्स टाइट, बटक्स टाइट एंड ब्रीद। आपकी बैक में अगर कोई भी तकलीफ हो या पीड़ा हो तो उसको स्टॉप कीजिए। ये एक्सरसाइज सिर्फ गर्भ की अवस्था के बाद ही नहीं, आप नॉर्मली भी कर सकते हैं टू मेक योर अब्डोमिनल मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्केव। इस आसन के बाद अभी हम करेंगे कैच स्ट्रेच। आप दोनों हाथों को शोल्डर डिस्टेंस पर, पाम्स को स्ट्रेट रखे हुए जमीन पर रखेंगे, नीज को सेम शोल्डर डिस्टेंस पर रखेंगे और इन स्टेप्स को नीचे रखेंगे। नीचे देखते हुए आप बैक को एक्सटेंड करेंगे और स्ट्रेच करेंगे और ब्रीद आउट करते हुए हिप्स को पीछे मूव करते हुए, बटक्स को पीछे मूव करते हुए आप बैक को आर्च और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस पोस्चर को आप 15 से 30 सेकंड फॉर बिगिनर्स होल्ड कर सकते हैं, जिससे आपके लोअर बैक के मसल्स, स्पाइन और ग्लूटस यानी बटक्स स्ट्रांग हो जाएंगे। आज की टिप यह है कि जितनी ही केयर गर्भ अवस्था में लेनी चाहिए उतनी ही केयर गर्भ अवस्था के पश्चात लेनी चाहिए, क्योंकि यही एक जिम्मेदार औरत का कर्तव्य है टू रिगेन योर नॉर्मलसी एंड टू रिस्टोर योर यूथ एंड वाइटालिटी। आज की क्वेरी में पायल हमें राजकोट से लिखती है कि डिलीवरी के बाद जो अब्डोमिनल मसल्स और स्किन सैग होती है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। गर्भ की अवस्था के बाद जो आपके स्टमक मसल्स लूज हो जाते हैं और स्किन सैग करने लगती है, उसके लिए एक सेमी उद्यान एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप कुर्सी पर बैठ जाए या नीचे जमीन पर बैठ जाए, स्पाइन को सीधा रखिए, टेक अ डीप ब्रेथ और ब्रीद आउट करते हुए अब्डोमेंस को अंदर की तरफ खींचिए और बटक्स को ऊपर की तरफ खींचिए। उसको एक 10 सेकंड होल्ड करने के बाद ब्रीद इन करके रिलैक्स कीजिए और फिर से ब्रीद आउट करके आप स्टमक और बटक मसल्स को सकिन कीजिए। ये एक्सरसाइज आप आज से 10 बार कर सकते हैं और होल्ड आप कम से कम 10 से 12 सेकंड तक भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से स्टमक में सिर्फ टोन ही नहीं बट स्ट्रेंथ भी डेवलप हो जाएगी।